तो दिल्ली के सीएम को आपने सुना, अब शिवराज सिंह चौहान क्या कह रहे हैं वैक्सीनेशन को लेकर, वहां कैसी तैयारी, सुनिए। मित्रों, कोरोना के खिलाफ, कोविड के खिलाफ दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 16 जनवरी को अब हमारे देश में प्रारंभ हो रहा है। मध्य प्रदेश की तैयारियां पूरी हैं। आज हमने अपने धर्म गुरुओं से, समाज सेवियों से, जनप्रतिनिधियों से, पत्रकार मित्रों से सबसे अपील की है कि इस अभियान को सफल बनाने में सहयोग करें। 16 तारीख से अभियान प्रारंभ होगा और इसमें प्राथमिकताएं तय की है। पहली चीज तो मैं ये जोर दे के कहना चाहता हूं कि दोनों वैक्सीन, कोविशील्ड को वैक्सीन, पूरी तरह से जांची परखी हैं और हमारे वैज्ञानिकों ने हर कसौटी पर खरा कसा है, हर कसौटी पर परखा है, कसा है, उसके बाद लगाने का देश ने फैसला किया है। दोनों सुरक्षित हैं और दोनों में कोई अंतर नहीं है। दोनों से प्रतिरोधक क्षमता, एंटीबॉडी बनेगी। इतना जरूर है कि एंटीबॉडी कोई लगाते नहीं बनेगी। पहला डोज लगेगा, उसके बाद 28 दिन के बाद दूसरा डोज लगेगा, उसके 14 दिन के बाद फिर एंटीबॉडी बनेगी। इसलिए दो डोज जरूरी है और प्राथमिकता के समूह तय है। पहले वैक्सीन उनको जो दूसरों की जिंदगी बचाने के लिए दिन रात काम करते हैं, हमारे डॉक्टर्स, नर्सेस, वार्ड बॉय, पैरामेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मी। वहां आप जानते हैं कि कोरोना महामारी में कई ने तो दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान भी दी है। तो पहला प्राथमिकता समूह 4,16,000 का हमारा वो है। ये देश ने क्रम तय किए हैं।